नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अपना अनुमोदन दिया है और इसके लिए वहां पर तत्काल ATR-72 जैसे विमानों के संचालन के लिए 250 करोड़ रुपए एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ एयरपोर्ट के विस्तार की कार्यवाही चलती रहेगी, जिसमें एयरबस और अन्य बड़े यात्री विमानों का आवागमन बेहतर तरीके से हो सके। इसके लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार से संवाद बनाकर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के रूप में विख्यात है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है। अयोध्या भारत की सनातन आस्था का केंद्र बिंदु होने के नाते लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग पर्व और त्योहारों में दर्शनार्थ आते हैं। अयोध्या में श्रद्धा और पर्यटन का एक समन्वित रूप देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य सरकार अयोध्या के समग्र विकास को लेकर कार्य कर रही है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को विकसित करने के लिए ढेर सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में भारतीय मूल के नागरिक और अप्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि वो अयोध्या आ सकें, इसलिए यूपी सरकार ने अयोध्या के एयर स्ट्रिप को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा था। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए करीब 1,000 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार ने भूमि क्रय करने के लिए जिला प्रशासन को दी है और अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। अब तक 377 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की जा चुकी है और युद्ध स्तर पर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखे जाने वाले इस एयरपोर्ट के ATR-72 के सेवा को संचालन करने और उसके लिए 250 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और केंद्रीय नगर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। निश्चित ही अयोध्या के टूरिज्म को और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन को सहज और सरल बनाएगा। अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में विख्यात है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अयोध्या भारत की सनातन आस्था का केंद्र बिंदु होने के नाते लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अलग अलग पर्व और त्योहारों के समय में अयोध्या में दर्शनार्थ आता है। अयोध्या में श्रद्धा और पर्यटन दोनों का एक समन्वित रूप देखने को मिलता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस संबंध में अयोध्या के समग्र विकास को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी विकसित करने के लिए वहाँ पर ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में भारतीय मूल के नागरिक और भारत के अप्रवासी भारतीय भी बड़ी मात्रा में वहां निवास करते हैं। उन सबकी भी इच्छा होती है कि अयोध्या आ सकें और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जो एयर स्ट्रिप थी उसको एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश सरकार ने भूमि क्रय करने के लिए जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया है और इसमें अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब तक 377 एकड़ से अधिक भूमि हम लोग क्रय कर चुके हैं और युद्ध स्तर पर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दिया है और इस हेतु कि वहाँ पे तत्काल 250 वहाँ पे ATR-72
वहाँ पर संचालित हो सके, ATR-72 के जैसे विमानों को संचालन करने के लिए 250 करोड़ रुपए वहाँ के एयरपोर्ट के निर्माण के लिए तत्काल उपलब्ध कराए हैं। एयरपोर्ट के विस्तार की कार्रवाई इसके साथ ही चलती रहेगी, जिसमें हम एयरबस और अन्य जो बड़े विमान हैं वहाँ पर यात्री विमानों का आवागमन बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह भारत सरकार से संवाद बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखे जाने वाले इस एयरपोर्ट के ATR-72 के सेवा को संचालन करने और उसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और केंद्रीय नागर विमानन के मंत्री श्री हरदीप पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। निश्चित ही अयोध्या के टूरिज्म को और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उनके आवागमन को और सहज और सरल बनाएगा।